संडे है आज, हम संडे में सुबह सुबह छत पे आए हैं क्योंकि आज छत का सफाई करना, क्योंकि बहुत दिन से बरसात हो रहा है और बहुत सा प्लांट भी वगैरह साफ सफाई नहीं किए थे, तो आज हम साफ कर रहे हैं छत सारा, प्लांट सबको ऊपर उठाए हैं क्योंकि नीचे बहुत गंदा हो गया था। तो आज अंशु भी हम लोग का हेल्प करा है, सबका छुट्टी है ना आज, तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा आपको, और आज धूप भी नहीं है तो अच्छा लग रहा छत पे। उठा के इस दीवार पे रखे हैं, यहाँ पे साफ कर देंगे, फिर सारा प्लांट सबको उतार देंगे। उठा के अंशु रख रहा है। नींबू कितना बड़ा बड़ा हुआ है ना, उसको उठाओ, एक हाथ से उठा के दिखाओ। अभी आप काम बन गए, उठा। बाप रे, अंशु आज काम कर रहा है। और हम लोग का केड़ा, केला का पेड़ इधर से दो, एक इधर से एक निकल गया है। दो पेड़ लगाए थे लेकिन अब चार पेड़ हो गया है। और ये मिर्ची तोड़ते हुए, मिर्ची का पेड़ बहुत है। अंशु पकड़ पकड़ो, मेरे हाथ में ये है, अब मिर्ची दे रहे निकालेंगे तो निकालें, हाथ से हाथ में लो। आज ऋषु हम लोग का हेल्प नहीं कर रहा है, और ये हम लोग का अपराजिता का फूल खिला है। अंशु देखो, व्हाइट अपराजिता देखो, और ये पर्पल वाला है तो ये, लेकिन ये मुरझा गया, ये कल खिला था, और ये व्हाइट वाला आज खिला है। तो देखिए, छत साफ करते करते हम लोग अंदर इस छोटा सा मिर्ची का पेड़ पे पड़ा है। इसमें तो छोटा सा मिर्ची का पेड़ है, इसमें सिर्फ लाल मिर्ची है, चार पाँच, हरा मिर्ची भी है बट लाल मिर्ची ज़्यादा है। और इतना छोटा सा ही पेड़, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और मिर्ची भी काफ़ी बड़ा बड़ा है। हम आज पहली बार देखे पेड़, इतने से बड़ा पेड़ तो हमेशा देखते, और ये पेड़ अभी देखे हम, तो इतना छोटा सा पेड़ में इतना सारा मिर्ची, तो हम इसको तोड़ लेंगे अब क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। और ये सबको हमने छत पे रख दिए हैं, दीवार पे रख दिए, सबको उतारेंगे। तो सब आरिका मेरे इतना ग्रो किया है, सब आरिका है। और ये तो आप लोग देखे होंगे मेरे हर ब्लॉग में। और ये है नींबू का पेड़। मौसम है ना, बरसात भी नहीं हो रहा, धूप भी नहीं, हवा चल रहा है, और ये सब ऐसी है। तुलसी प्लांट बहुत सा हुआ है हम लोग का, रबर प्लांट। अभी कंटिन्यू हम लोग काम कर ही रहे, तो अंशु को देख सकते हैं, आज अंशु बहुत हेल्प कर रहा है, रिशु भी कर रहा है, इधर रिशु भी काम कर रहा है। आज हम लोग सबको काम करे, पूरा छत हमने साफ कर दिए हैं। अंशु जितना भारी भारी काम है सब अंशु कर रहा है, गमला सब यहाँ से उठा के वहाँ कर रहा है, रिशु भी कर रहा है। और हमने सारा पेड़ यहाँ पे ऐसे रखे, अभी बहुत देर हुआ और थोड़ा देर में काम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे नीचे। और ये प्लांट को यहाँ से हम लोग घसकाएंगे, यहाँ से हटा देंगे इसको। चलिए, आज सुबह सुबह हम लोग का बहुत काम हो गया संडे को। उसको छोड़ सकते हैं, बोला रहने दीजिए, उसको रहने दे सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इतना पानी क्यों वेस्ट कर, लाइट नहीं है ना बाबू, साफ। अंशु झाड़ू करते हुए, ब्लीचिंग है तो नीचे किचन में है, लेके आते हैं। लाए क्या ब्लीचिंग पाउडर, लाए क्या? नहीं, वहां पे जमा कर दो, वहां पे बहुत जमा किए ना, वहीं पे। सफाई कर दिए, पूरा छत साफ कर दिया, पूरा क्लीन है, सारा प्लांट इधर उधर कर दिए, एडजस्ट कर दिए हैं ये सब। अरिका एक लाइन से लगा दिए, और इस प्लांट, ये प्लांट यहाँ पे था उसको यहाँ कर दिए, तो पूरा छत अभी बहुत सुंदर लग रहा है। इसको नहीं उतारेंगे, स्पाइडर को देंगे। चलिए, पूरा छत साफ हो गया, बहुत टाइम लगा। अब अंशु रिशु सब थक गया, तब चलते नीचे, चल नीचे चलते हैं, चल रिशु। वेलकम बैक। तो हम छत साफ कर लिए थे और नहा लिए हैं हम लोग,
आज हम पूरा थक गए। हाँ मंसु रेसु सब हम लोग पूरा फैमिली थक गए हैं, क्योंकि पूरा छत साफ़ किया हम लोग, झाड़ू किए, पूरा प्लांट को उठा के ऊपर रखे, फिर साफ़ किए, फिर सबको नीचे रखे। आज पूरा हम लोग थक गए। संडे हम लोग का आधा दिन काम करते करते गया। अभी अंशु लोग नहा के अंशु गया फिर से अपने प्रोजेक्ट बनाने, रिशु सो रहा है, और अभी सुबह सुबह बरसात स्टार्ट हो गया यहाँ पे, हल्का हल्का बरसात स्टार्ट हो गया। और हम लोग के यहाँ सुबह से लाइट नहीं है, अभी भी नहीं है, तो ये लाइट है ही नहीं, आज बोर हो रहे हैं। छूट गया है लाइट नहीं है तो आप क्या कहना चाहोगे, लाइट नहीं है तो बहुत मजा। अट्टी में अभी सो के उठ रही है। कहाँ जा रही है तुम? ओ लाइट आ गया। हाँ तो लाइट आ गया ऋषु, अभी बहुत गंदा लग रहा है। हाँ पूरा दिन लाइट नहीं था आज, और बरसात में टिम्मी ऐसे इधर उधर भागते रहते हैं, टिम्मी के साथ कोई चाहिए होता है। हम थे उसी रूम में, उसे टिम्मी थी, हम लोग उठ के आ गए तो टिम्मी भी उठ के आ गई। नहीं कैसे चलती है, डर गई है ना, नहीं कैसे चलती है, डर गई लंबी है ना थोड़ा, तो टिम्मी बरसात का मजा लेते हुए बालकनी से। ज़्यादा जोर से बरसात है ना, हल्के हल्के बरसात हो रहा है, बट हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो हम लोग जाए थोड़ा सा आराम करेंगे ना छोटे, अभी अंशु भैया भी नहीं है, सुबह गए भी थे। हाँ रिशु तो 4 बजे उठ के वॉक पे भी गया था, फिर आके छत पे पूरा काम किया। तो हम लोग जाए थोड़ा सा आराम करेंगे, प्रसाद बंद होगा तब फिर कुछ काम करेंगे ना बाबू। और उनका घर पेंट हो रहा है देखो, बहुत दिन बाद, मतलब फर्स्ट टाइम उनका घर पेंट हो रहा है। कहते हैं और सो गए थे तो अभी उठे हैं, खाना भी नहीं खाया दोपहर में, ऋषि भी नहीं खाया, हम भी नहीं खाए। तब जाते हैं हम रोटी बना लेते हैं, आटा मिला लिए हैं रोटी बनाएंगे और रोटी ही खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे क्योंकि थोड़ा सर्दी ज़्यादा हो गया है और खांसी भी हो रहा है। चलिए रोटी बनाते हैं फिर रोटी खाते हैं। तो रोटी बना लिए है, खाना बना लिए है और हम थोड़ा सा जा रहे बाहर, मेरे को थोड़ा सर्दी है तो हम दवा भी लेंगे, दवा लेके आते हैं। और रिशु हमेशा की तरह, रिशु घर पे रहेगा, रिशु हमेशा ही घर पे रहता है, रिशु आज भी घर पे रहेगा। चलो आते हैं, बाय। किसको? सबको लाइट आ रही है। तो चलिए पहुंच गए मॉल में, और मॉल में ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, फिर भी हम मॉल में गए क्योंकि थोड़ा सा टाइम पास हो जाता, थोड़ा अच्छा लगता है। तो चॉकलेट उठाए थे, फिर बोले नहीं सर्दी खांसी तो चॉकलेट छोड़ दिए। फिर थोड़ा बहुत सामान था ग्रॉसरी का, वही लेना था, ज़्यादा सामान नहीं था, तो ये थोड़ा बहुत सामान ले लिए है। तो फिर ये डब्बा देख रहे थे, हमको डब्बा बहुत पसंद है किचन के लिए, पर ये लेते नहीं, हम जब भी जाते तो वैसे वापस आते थे। थोड़ा बहुत सर्फ वर्फ ख़त्म हो गया था वो लिए, और सारा देख के सब कुछ आए पर लिए कुछ नहीं। तो और आज भीड़ भी बहुत था मार्केट में, तो संडे है ना उसलिए भीड़ था। तो ये थोड़ा बहुत सामान लिए और हम लोग ये देख रहे थे, दाल वगैरह सब कुछ देख रहे थे। और चलिए बिलिंग करा रहे हैं अब हम लोग का हो गया है, तो हम लोग चलते हैं घर। तो जैसे बाहर निकले तो देखिए यहाँ पे दुर्गा पूजा शुरू हो गया ना, तो ऐसे ढोल हर जगह बजेगा। वेलकम बैक, तो मार्केट से आ गए हैं और हम जा रहे हैं खाना खाने के, क्योंकि हमको बहुत जोर से भूख लग गया, क्योंकि आज दोपहर को भी हम खाना नहीं खाए थे तो हम जा रहे खाना खाने, और फिर जब कल से अंशु लोगों का स्कूल, फिर वही रूटीन शुरू। चलिए खाना खाते हैं और उसी के साथ ये ब्लॉग एंड कर दे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।